हेलो एवरीवन, दिस इज निलोफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे न्यू परमानेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि 20,000 वैकेंसी हैं। ये वैकेंसी जो है ये प्राइमरी लेवल की हैं, प्राइमरी और अपर प्राइमरी, ठीक है। और वैकेंसी ये आपकी ओडिशा की तरफ से आई हुई है, जो कि आपकी 20,000 वैकेंसीज है, ठीक है। बहुत अच्छा खासा नंबर होता है इतनी बड़ी वैकेंसीज। दूसरी चीज़ ये याद रखिए कि यहाँ पर ये वैकेंसी शेयर करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि जो बच्चे एलिजिबल होते हैं वो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में बता देती हूँ। ये जो वैकेंसी है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये 10 तारीख को रिलीज किया गया है, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, प्लस मैं आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगी। दूसरी चीज़ ये कि एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके शुरू होंगे वो 13 तारीख से शुरू हो जाएंगे, यानी कि कल से शुरू हो जाएंगे, जिसमें कि लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की होगी वो आपकी 10 अक्टूबर रहेगी, ठीक है। और एप्लीकेशन जो सबमिट करने का मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी आपका एग्जाम जो है सीबीटी मोड होगा। इसमें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये नोटिफिकेशन में देखिए यहाँ पर 20,000 जूनियर जूनियर टीचर सिस्टमैटिक पोस्ट विल बी फिल्ड अप टू प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल अंडर डिफरेंट रिवेन्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, ठीक है। तो अलग अलग ओडिशा के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके अंदर ये फिल की जाएंगी, जिसमें कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी सारी डिटेल, क्योंकि इन्होंने जो अभी ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन है, इसमें पूरी तरीके से डिटेल नहीं दे रखी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज है। पूरी कंप्लीट डिटेल आ जाएंगी तो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे वो नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगी। जो भी बच्चे एलिजिबल होते हैं प्लीज अप्लाई जरूर करना। बाकी यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपका जो एग्जाम होगा उसके बिहाफ पे आपका प्रोसीजर कंप्लीट किया जाएगा। बाकी मैंने कोशिश तो की है कि सारी चीजें आप लोगों को बता दूं। बाकी रही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात, तो इसमें ये सारी चीजें नहीं मेंशन है, लेकिन अगर बात करें प्राइमरी और अपर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में 12th पास प्लस आपका सीटेट पे जो आपका टेट होता है, या तो ओडिशा टेट मांगेंगे या फिर सीटेट अगर मांगा तो अलग बात है। बाकी कंप्लीट डिटेल मैं आप लोगों के साथ जो नोटिफिकेशन है इन्होंने कहा है कि जो पूरी कंप्लीट डिटेल है वो वेबसाइट पे जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। जब एप्लीकेशन फिलअप करा रहे हैं तो आपको हो सकता है अभी थोड़ी बहुत देर में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाए, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम पे वो शेयर कर दूंगी। बाकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, बीएड वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, एज की बता देती हूँ। एज इसमें 18 से 36 है, ठीक है। हाँ, 36 या 38 है एज क्राइटेरिया। और बाकी सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होगा वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रिक्वेस्ट है कि अगर एलिजिबल होते हो तो फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ का याद रखिएगा, ज़्यादा अगर फीस हुई, क्योंकि अभी इसमें फीस वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है कि हमारा ये नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है, ठीक है। और एप्लीकेशन आपके 13 से शुरू हो जाएंगे, तो उससे पहले यानी कि आज ही आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बता दूंगी, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि इस टाइम आपको बहुत सारी वैकेंसी स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये टाइम जो है इलेक्शन का टाइम है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट के पास यही एक चीज़ है जिसकी वजह से वो अपने वोटर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको आपसे किसी और वीडियो में। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट्स का कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।